अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस ने सोमवार को राजभवन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इससे पहले कांग्रेस ने छोटा शिमला के फुटविला होटल से राजभवन तक रोष रैली निकाली। यहां कांग्रेस ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को ज्ञापन सौंपकर देश में महंगाई पर काबू पाने और अडानी समूह के कथित घोटाले की जांच की मांग की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने संसद व संसद के बाहर कई बार अडानी समूह के घोटालों को उठाने की मांग की है, लेकिन हर बार विपक्ष की आवाज को दबाया गया है। उन्होंने कहा कि इसे देखते हुए कांग्रेस ने राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। केंद्र में एक ऐसी सरकार बैठी है जो कई मुद्दों को हमने बार बार उठाने की कोशिश की, पार्लियामेंट में भी बोलने की कोशिश की कि जितनी भी देश में आज कार्य हो रहे हैं, क्या अंबानी और अदानी रह गए, और भी बड़ी कंपनीज इसमें काम करना चाहती थी, पर सबकी अनदेखी करके एक ही कंपनी को ये काम, चाहे वो किसी भी कंस्ट्रक्शन का वर्क है, कोई भी है, वो इन्हीं को दिया जा रहा है। इसके लिए हमारा ऑब्जेक्शन था, जिसके बारे में हमने कई बार पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर से भी ये बात करने की कोशिश की और हमने धरना प्रदर्शन भी किया, पार्लियामेंट में भी उठाई, और उसी तरह से हमने जहाँ जहाँ भी संभव था अपनी बात रखने की कोशिश की, पर हमारी बात को अनदेखा किया गया। इसलिए आज हम ये मेमोरेंडम जो हमने गवर्नर साहब को दिया है, हम चाहते हैं कि ये राष्ट्रपति तक पहुँचे और राष्ट्रपति जी भी हमारी भावना से अवगत हो। अब डिटेल में तो नहीं, बट रिटन तौर पर हमने अवश्य वो बात इसमें लिख कर गवर्नर साहब को दी है, एंड उन्होंने कहा है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी आवाज़ राष्ट्रपति जी तक पहुंचाऊंगा, और देखें अब राष्ट्रपति जी क्या उस पर निर्णय लेते हैं और क्या फैसला करते हैं। अभी भी हमने पिछली मर्तबा भी, मैंने नेशनल हाईवे में जो काम चल रहा है उसमें बहुत सी अनदेखी हुई है, उसके बारे में मैंने वहां चर्चा की थी। इस बार भी कई मुद्दे हैं जो केंद्र से संबंधित है, उस पर भी मुझे चर्चा करने की आवश्यकता है, और मैं वो जाकर अब विधानसभा पार्लियामेंट में टाइम भी लूंगी और उस पर चर्चा भी की जाएगी। वहीं AICC के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने कहा कि मोदी सरकार एक एक कर देश की संपत्तियां पूंजीपतियों को बेच रही है। अब LIC और SBI की संपत्तियां जबरदस्ती अडानी कंपनी में निवेश करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद देश की जनता को उनकी करोड़ों की जमा नकदी डूबने का डर सता रहा है। उन्होंने इसे आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला बताया है। देखिए, आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राजभवन के सम्मुख धरना प्रदर्शन किया। हम लोगों ने जो है देश के महामहिम राष्ट्रपति को गवर्नर महोदय की मार्फत जो है ज्ञापन सौंपा। आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया कि हमारी जो SBI है और LIC है, उनसे ज़बरदस्ती निवेश जो है अडानी साहब की कंपनी में कराया गया, और बाद में जो जो फाइनेंशियल बैटर्स को देखती है कंपनी हिंडनबर्ग, उनके खुलासे के बाद अडानी की कंपनी के सारे शेयर गिर गए। इससे जो है करोड़ों का चूना जो है LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लगा। ये बहुत चिंता का विषय है। जो भी सरकारी उपक्रम है उन्हें बेचने की साजिश हो रही है। पिछले दिनों आपने देखा कि बहुत सारे सरकारी संस्थानों को बेचा गया, और जो मुनाफे में चल रहे थे जैसे LIC, उस पर भी कहीं ना कहीं दबाव बनाया गया कि वो जो है अडानी साहब की कंपनी में निवेश करे। तो ये मैं समझता हूँ आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। संसद में भी ये मांग उठी कि खुलासा होना चाहिए, और संसद में कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग की, संयुक्त संसदीय समिति की मांग की, क्योंकि पूर्व में आपने देखा होगा जब बफर्स का मामला था उस वक्त भी JPC बनी, और बाद में सारे आरोप जो है झूठे पाए गए, और अभी सरकार जो है JPC की मांग से डर रही है। और आप लोग जानते हैं कि JPC उसमें तो तमाम पार्टियों के सांसद होंगे, कांग्रेस के भी होंगे, भाजपा के भी होंगे, और दूसरे जो विपक्षी दल हैं उनके भी सांसद होंगे। तो सरकार अगर इतनी पाक साफ है, अगर सरकार का दामन इतना साफ है, तो सरकार ज्वाइंट पार्लियामेंट्री समिति के गठन से क्यों डर रही है? तो इसे लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। तो हमने आज ये मांग की है, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजभवन के सम्मुख धरना प्रदर्शन करके ये मांग की है राष्ट्रपति महोदय से कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, और जल्दी से जल्दी जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी
जो संयुक्त शासी समिति है उसका गठन होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, ताकि जो सच्चाई है वो जनता के सामने आ सके।